बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव है वो है सिर्फ कांग्रेस. सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पॉसिबल है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने का. रही बात बीजेपी पार्टी, एक जुमला हर वक्त नरेंद्र मोदी बात करते, जुमलों की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है. मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका विकास हुआ? आज मुख्तसर बात करता हूँ, नॉमिनेशन डाल के आया हूँ. 2 करोड़ नौकरी देते बोले, किसको मिली नौकरी? आप ब्लैक मनी लेके आते बोले, आप जीएसटी डिमोनेटाइजेशन करके टैक्स टेररिज्म को मैं खत्म करूंगा बोले आप, मगर इन रिटर्न क्या हुआ? जो ब्लैक मनी जिसके पास है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मालिया, चौकसी, आप सबको बाहर भेजा दिए. आप ब्लैक मनी लाके 15 लाख रुपीज हर एक इंडिविजुअल के नाम पे बैंक अकाउंट में डालते बोले आप, डाले आप डिमोनेटाइजेशन करें, जीएसटी लाए, उसे क्या हुआ? पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आमदनी का जरिया खत्म कर दिया आप. जो पैसे वाला है और पैसे वाला बन रहा, गरीब के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. उसके बाद में आप बात करते करप्शन की, आप रफेल डील, हवाई जहाजों की जो डील करे आप, उसमें आप 40,000 करोड़ खा लिए. कश्मीर के इशू को आप सॉल्व नहीं कर सक रहे, और हर वक्त सबसे बड़े आप झूठे साबित हुए. आप जुमलों पे जुमला, और जितने भी आप वादे करें आपके मैनिफेस्टो में, आप एक भी वादा पूरा नहीं करें. और साथ साथ नफरत, बीजेपी हर टाइम डिवाइड एंड रूल करी अंग्रेजों की तरह. और रही बात यहां से, मैं हमारे स्टेट को आ जाऊं, हमारी टीआरएस पार्टी, हमारे केसीआर साहब, नरेंद्र मोदी अगर से पहला झूठा है तो केसीआर साहब सेकंड झूठे. नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल फेंकते, और हमारे केसीआर साहब नेशनल लेवल में फेंक रहे. मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम से पूछना चाहता हूं कि केसीआर साहब कौन सा वादा पूरा करे. पहले आप बोले दलित को चीफ मिनिस्टर बनाता हूं, बनाए. 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देता हूं बोले, दिए. हर घर को नौकरी देता हूं बोले, दिए. किसको तो भी नौकरी मिली? आप रोजगार देते बोले, स्किल डेवलपमेंट करता हूं, लोन प्रोवाइड करता हूं, गंगा जमुना की तहजीब है, मैं सबको लेके चलता हूं. किसको नौकरी मिली, किसको लोन मिला? आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, दिए. और रही बात जहां से मेरे को टिकट मिला, हैदराबाद, हैदराबाद को आप इस्तांबुल बनाते बोले. और आप जब से मुख्यमंत्री बने, जहां तक मेरे को अंदाजा है, आप एक टाइम भी ओल्ड सिटी नहीं आए. ओल्ड सिटी की हालत एक खेड़े गांव की तरह है. पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा, तेलंगाना में डेवलपमेंट हो रहा, हैदराबाद में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा? ये मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपको. 100 किलोमीटर पे जिसकी जमीन 2 लाख की थी, आज 2 करोड़ की हो गई, 10 करोड़ की हो गई. और ओल्ड सिटी 40 साल से एमआईएम के हाथ में है. 40 साल से ओल्ड सिटी की सूरत नहीं बनी, ना एक सीधा स्कूल है, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, ना जॉब अपॉर्चुनिटी, ना लोन की फैसिलिटी. ब्लैक लिस्टेड है. कोई आदमी मेहनत करके आगे भी बढ़ना चाह रहा तो कार लोन नहीं मिलता, हाउस लोन नहीं मिलता, क्योंकि ओल्ड सिटी, साउथ जोन, हैदराबाद,
और यहाँ के जो भी लीडर्स हैं, ओल्ड सिटी के, हैदराबाद के, हैदराबाद की आवाम क्या है साहब, आपको सबको मालूम, गरीब और ईमानदार है, और वहां पे जो रूल कर रहे वो लोग करोड़पति है। हमारे एमपी साहब के नॉमिनेशन में आप देखिए 2014 में 40 लाख है और आज 2018 में करोड़ों रुपए है। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, हमारे को जलन हसद नहीं है, और जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको बताने की जरूरत है कि कौन से जरिए से आपके पास पैसे आए। और केसीआर साहब बीजेपी की बी टीम है, हर एक मामले में उन्होंने बीजेपी को मदद करते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, नोटबंदी आओ, जीएसटी आओ, हर जगह पे। और केसीआर साहब के चेले कौन है, एमआईएम और एमआईएम के सदर। तो टोटल क्या कर रहे हैं लगा, टोटल दोनों मिलके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपका स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे एमपी साहब हर दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते, माशाल्लाह से उनको बहुत इलम है, आज बीजेपी कोई तगड़ा कैंडिडेट क्यों नहीं ठहरे उनके ऊपर? एक वक्त था जब एमआईएम को हराना बोले तो वेंकैया नायडू, जो आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने आ जाते थे चुनाव लड़ने, बद्दम बाल रेड्डी साहब आ जाते थे, उमा भारती आ जाते थे, पूरे बीजेपी के दिग्गज आते थे। आज बीजेपी एक डमी कैंडिडेट को दिए, क्यों? समझिए आप ये बात को, केसीआर प्लस एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। और आप देखिए जैसा नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए जैसा एमपीस कम होंगे, तेलंगाना से केसीआर और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी दोनों मिलके जाके अपने एमपीस देके वहां पे गवर्नमेंट कायम करेंगे। और रही बात मैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सामने रखूंगा, और हमारा और मेरा एक ही नारा है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी को कैसा करना, कैसे रास्ते लेके आना, फंड्स कैसा लाना, और ओल्ड सिटी को डेवलप कैसा करना। बीजेपी के पास कभी भी मैनिफेस्टो रहता, केसीआर के पास, टीआरएस के पास मैनिफेस्टो रहता। आप एक पॉइंट नोट करिए, एमआईएम के पास कभी मैनिफेस्टो नहीं रहता। आप उनको स्मार्ट बोल लो या आप उनको शाना बोल लो, अरे कोई चीज हम लीकेज नहीं दे रहे हैं तो हम आपको पकड़ेगा कौन? ना पब्लिक का डर है ना अल्लाह का डर है, और झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर वन पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, सेकंड केसीआर साहब सिल्वर मेडल, उसके बाद में हमारे असदुद्दीन साहब ब्रॉन्ज मेडल। आवाम को सब मालूम, और मेरी तमाम चैनलों से मेरी आवाम को गुजारिश है कि कुर्बानी का जज्बा लेके मैं कभी भी आपके बीच में आता हूं, और सबको लेके चलने की एक सोच लेके आपके बीच में आता हूं। मेहरबानी करके आपके वोट का पावर समझिए, एक ईमानदार और जो आपके हैदराबाद को डेवलप कर सकता ऐसी शख्सियत को आप वोट डालिए। अगर से आप महसूस करते कि कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान करते, आप मेरे को डालिए, नहीं मेरे से कोई बेहतर होता तो आप उसको डालिए। मार मेहरबानी करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप काम करिए, मेहरबान करके काना और आंख मत बंद करिए, और जो आपको झूठ बोल रहे हैं और धोखा कर रहे हैं उनको आप समझिए। और आखिरी बात, जो कभी भी हैदराबाद में एमआईएम चुनाव जीतता है वो सिर्फ गुंडागर्दी, डर, पैसा और बोकस वोट्स। हम चीखते गए बोकस वोट्स, बोकस वोट्स,
एमआईएम को मालूम पूरे बोकस वोटों से जीतते ये लोग, मारे एक भी आवाज नहीं दी। एमआईएम हर एक मसले पे बात करती, मगर बोकस वोटों के तालुक से कभी बात नहीं करे। और मैं प्रूफ कर दिया कि हैदराबाद के अंदर 7,90,000 बोकस वोट है, और मैं नामपल्ली के चुनाव से पहले 90,000 बोकस वोट नामपल्ली में बता चुका हूँ। और अब जब भी वक्त आएगा मैं 7,90,000 बोकस वोट बताऊंगा। तो कभी भी आप जब समझते हैदराबाद के अंदर एमआईएम मजबूत है, एमआईएम सिर्फ मजबूत गुंडागर्दी राउडिज्म और बोकस वोटों की वजह से। और इंशाल्लाह मैं आऊँगा हर एक जलसे में, मैं आपके सामने और हकीकत आपके सामने रखूँगा, जो आप वाकिफ है आप उस पर नज़र डालिए। और ओल्ड सिटी और हैदराबाद को जो डेवलप कर सकता वैसी पार्टी और वैसे कैंडिडेट को आप वोट डालिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।